आप समझ रहे हो? आप इसी लय को पकड़े रहो, अगर लय तोड़ोगे तो लव बुझ जाएगी। देखो कितना अच्छा बता रहा हूं, यदि लय तोड़ दोगे तो लव बुझ जाएगी। लय किसकी? रोज रेगुलरिटी। लय का मतलब क्या है? रेगुलरिटी। रेगुलर लय का मतलब है रेगुलरिटी के द्वारा जो हमारा सुधार होता है उसे क्या बोल रहा है? लय। अगर लय तोड़ दोगे तो फिर लव बुझ जाएगी। इंग्लिश आप ये सोच रहे हो कि ग्रामर खत्म कर दूंगा और आप एकदम प्रकांड हो जाओगे, नो। उस ग्रामर को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं वो यहीं से सुधार। और सिर्फ ये तुम मत सोचो कि ये पढ़ा दिया, ये पढ़ाने के बाद शाम को 6:30 बजे फिर इसी को बताऊंगा, पैसेज में ये आएगा, क्लोज टेस्ट में यही आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यही आएगा, कॉमन एरर में फिर वहां भी समझाऊंगा इन लाइनों को। कितने पागल हो जाओगे। यही तरीका, बेस्ट तरीका निकाला है सिखाने का। लेकिन आप लोग रेगुलर रहोगे और हिम्मत नहीं हारोगे तभी ऐसा है, अदरवाइज कोई वो नहीं है। आप बजरंग पुनिया क्या कोई चमत्कार से मेडल थोड़े नहीं जीतते? आप उसके लिए रोज अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं पहलवान हूँ, सीनियर पहलवान हूँ, उस्ताद पहलवान हूँ, और आप लोग चेला पहलवान हो, तो उसमें कुश्ती को लड़ाया जाता है ऐसे जोर कर, ऐसे जोर कर, तो हाँफते हैं, गिरते हैं, रगड़ते हैं, मार खाते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके कोई बजरंग पुनिया और रवि दहिया बनता है, मेडल लेके आता है। वैसे ही तुम में से हर आदमी को मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। मेरी दिली तुमसे ज़्यादा दिली इच्छा मेरे अंदर, ये जो लोग आए हैं उनका सुधर जाएंगे। और जीएस पढ़ते रहना, इंग्लिश क्योंकि न्यूज़पेपर है तो जीएस तो टच है। अब ये इसी इंग्लिश के दरवाजे से, न्यूज़पेपर के दरवाजे से जीएस का भी, जीएस की